नमस्कार दोस्त, इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे निटी ग्रिटीज ऑफ सेक्शन 128A। और 128A है जो रिलीफ मिला है इंटरेस्ट और पेनल्टी का। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद एक काफी अच्छी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने इशू करी, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सीजीएसटी एक्ट को अमेंड कर दिया, पोस्ट फाइनेंस एक्ट 2024 का जो पार्ट टू है। और उन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं एक्सेप्ट इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उस बिल को कंसेंट दे दी है, तो वो एक्ट बन चुका है। लेकिन रिस्पेक्टिव प्रोविजंस को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स का। जब स्टेट लेजिस्लेचर्स उनको नोटिफाई कर देंगे, तो उसके बाद फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन दोनों तरफ से इशू हो जाएंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। इस वीडियो का जो स्पेसिफिक पर्पज है, वो आपको समझाना है कि 128A किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमें इसमें रिलीफ मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्ट को बार बार स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो चीजें मेरे सामने आई हैं उनको समझ के मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, 128A का ऑब्जेक्टिव है कि 1718 से लेकर 1920 तक, यानी इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना भी लिटिगेशन सेक्शन 73 के अंदर अराइज हुआ है, उस लिटिगेशन को कुछ एक्सटेंट तक रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स का। 128A बेसिकली बात करता है 3 सर्कमस्टेंसेस की। अभी हम बेयर एक्ट की तरफ भी जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ बताता हूं 2 मिनट में कि 128A के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, यानी अगर आपके पास कोई नोटिस आता है उसमें टैक्स पेबल है और टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी पेबल है, तो अगर आप टैक्स पे कर देते हैं एक टाइम लिमिट से पहले, ऑन और बिफोर दैट टाइम लिमिट, तो सरकार कहती है कि आपको ब्याज और पेनल्टी आपकी छोड़ दी जाएगी, उससे आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन किस कुछ केसेस के अंदर आपका नोटिस इशू हुआ है और वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है, तो अब आप ऑर्डर स्टेज पे हैं और उस ऑर्डर में भी कोई टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, पेनल्टी पेबल है, तो वो जो ऑर्डर में टैक्स पेबल है, आप उसकी अपील फाइल करने के बजाय आप उस टैक्स को पे करते हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है, वो ऑर्डर आया और उस ऑर्डर को आपने चैलेंज कर दिया बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, तो उसके बाद भी वो अपील आपकी अभी डिसाइड नहीं हुई है, वो अपील अभी आपकी पेंडिंग है, या फिर डिसाइड हो गई है लेकिन आप अपने आपने अभी जेस्टैट में अपील फाइल नहीं की है, उन केसेस में भी जो अपील का ऑर्डर है, उस अपील के ऑर्डर में अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पेबल है, तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट मिलने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं सीधा। और बेयर एक्ट में आपको मैं बताता हूं कि बेयर एक्ट क्या कहता है कि 128A में इंटरेस्ट और पेनल्टी का अगर नोटिस है या खाली इंटरेस्ट का नोटिस है, तो क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टडी करते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं कि 128A कहता क्या है। सेक्शन 128 स्टार्ट्स विद अ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कहीं भी कुछ लिखा हुआ है, उस सब को ओवरराइड करते हुए, अगर इन प्रोविजंस के कॉन्ट्रेरी कुछ भी लिखा हुआ है, तो प्रिवेल करेगा 128A, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है वेवर के लिए। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट, इफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल, माइंड द वर्ड्स, इफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल बाई अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स इन अकॉर्डेंस विद दीज 3 सर्कमस्टेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल बाई अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद 3 सर्कमस्टेंसेस, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, द मूट पॉइंट इज दैट द टैक्स हैज टू बी पेबल, कैन द टैक्स हैज टैक्स पेबल मे बी जीरो, these will be the questions will they will come in times to come and the honorable courts will test these points. The tax is payable means it has to be more than zero. In my opinion, if the legislatures and if the government or the GST council, they have specifically deliberately used the word tax is payable. If tax is payable, they are waiving 2 items. There are 3 items in a notice, dear friends, the tax, the consequent interest, and the penalty. They say that our primary resource for the collection is tax.
गिव अस टैक्स वी विल फॉर गिव द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल जीएसटी काउंसिल। दे आर सेइंग द इनिशियली ओरिजिनली वी ऑलवेज वॉन्ट टैक्स फ्रॉम यू। इफ यू हैव पेड टैक्स वी वुड हैव नो चार्ज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो नाउ वी आर सेइंग दैट पे आवर टैक्स वी वॉन्ट चार्ज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो देर हैज टू बी अ टैक्स पेबल इन बिलो सर्कमस्टांसेस एंड द फर्स्ट इज अ नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 और अ स्टेटमेंट अंडर 73(3) एंड नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड। मतलब ये नोटिस की स्टेज है। अभी आपको एक एससीएन इशू हुआ है और एससीएन एडजुडिकेट नहीं हुआ है। ये मेरे हिसाब से चला गया है क्योंकि 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के सारे नोटिस ऑलमोस्ट एडजुडिकेट हो गए हैं। अभी तक प्रोविजन को नोटिफाई नहीं किया गया है। तो ऐसा लगता है कि पहला जो पॉइंट है उसकी कोई खास रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस रह नहीं गई है। नोटिस नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इंटू अ डिमांड ऑर्डर अलोंग विद DRC 07 एंड ऑर्डर पास्ड अंडर 73(9) और एंड एंड नो ऑर्डर अंडर 107(11) और 108(1) हैज बीन पास्ड। यानी अभी आपका ऑर्डर हो गया है, आपने अपील फाइल कर दी है, अपील फाइल नहीं की है, लेकिन आपका अपील का रिवीजन का ऑर्डर पास नहीं हुआ है। यानी आप अभी स्टेज में हैं, नोटिस के बाद आप ऑर्डर की स्टेज में हैं और ऑर्डर की स्टेज के बाद आपका जो अपीलेट अथॉरिटी है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है या फिर जो रिविजनरी अथॉरिटी है, उन्होंने अपना ऑर्डर पास नहीं किया है। आपकी अपील अभी पेंडिंग है। तीसरा, आपकी जो अपील है वो डिसाइड हो गई है 107(11) में या 108(1) में, ऑर्डर पास हो गया है, लेकिन अभी ऑनरेबल जेस्टाट ना कॉन्स्टिट्यूट होने के कारण 113(1) का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तीन सर्कमस्टेंसेस माई डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट, नोटिस स्टेज। सेकेंड, ऑर्डर स्टेज, अपील फाइल्ड और नॉट फाइल्ड बट अपील ऑर्डर हैज नॉट बीन पास। थर्ड स्टेज, अपील फाइल्ड, अपील ऑर्डर पास इन अगेंस्ट मी, इट्स नॉट इन माई फेवर बट जेस्टेट हैज नॉट पास इट्स ऑर्डर बिकॉज जेस्टेट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड सो फार। सो दीज थ्री केसेस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 128 कैपिटल ए। सवाल जो सब पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, वो कि क्या मेरे पास एक ऑर्डर है जिसके अंदर ब्याज और पेनल्टी है, क्या वो 128A में कवर होगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि वो कवर नहीं होगा। लिटरली, टेक्निकली, इफ यू रीड 128A, इट सेज टैक्स इज पेबल इन अकॉर्डेंस विद थ्री सर्कमस्टांसेस। पहले ऑर्डर में, नोटिस में टैक्स नहीं था। बाद में क्या टैक्स आ सकता है? इन माई ओपिनियन नो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फ्रेश असेसमेंट नहीं कर सकती, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उनको बात करनी होगी। उसके बाद कई सारे इश्यूज हैं। रिफंड्स इसके अंदर कवर नहीं होंगे। जो रिफंड्स के ऑर्डर हैं आपके अगेंस्ट हुए हैं उनके अंदर आपको ब्याज और पेनल्टी का कोई विवरण नहीं मिलेगा। तीन फाइनेंशियल ईयर्स इसमें स्पेसिफिकली कवर होने हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। हमें वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशंस का। जब ये नोटिफाई होंगे उसके बाद इन स्कीम्स को गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये होगा, ये स्कीम आएगी विद कंडीशंस, और कंडीशंस होंगी आपको कोई भी अपनी अपील है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि आप इसमें फर्दर अपील फाइल नहीं करेंगे। आपको रिट पिटीशन पेंडिंग है वो भी आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। और एक डेट से पहले, यानी एक 31 मार्च 2025 की जो डेट आ रही है उससे पहले पहले आपको अपना टैक्स का पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर कहीं रिवीजन होता है आपके टैक्स के डिमांड में तो आपको रिवाइज अमाउंट 100% पे करना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू दिस स्कीम। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन सेक्शन 128 कैपिटल ए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अ डिटेल्ड वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।